हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा हरियाणा सरकार का मूल आधार है। इस आधार पर सरकार काम करते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र को चरितार्थ कर रही है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय व कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा विशेष रूप से इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि जो हरियाणा संस्कृति के संरक्षण, उत्थान व बढ़ावे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। रत्नावली महोत्सव का इंतजार केवल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों व प्रतिभागियों को ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के सभी लोगों की इस पर निगाहें टिकी रहती हैं। उनका कहना है कि जब हम छात्र थे तब भी ये कार्यक्रम उतना ही उत्साह देता था और आज हम एलुमनी हैं तो तब भी उतना ही इंतजार रहता है। उन्होंने कहा कि वे शनिवार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव के दूसरे दिन बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने 2006 से पहले रत्नावली महोत्सव हरियाणा दिवस के रूप में मनाया जाता था। दिन प्रतिदिन रत्नावली का स्टेटस व विधाएं बढ़ती जा रही हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नई बुलंदियों और ऊंचाइयों को छू रहा है और इस विश्वविद्यालय को उनके नेतृत्व में चार चांद लगा रहे हैं। वर्ष 1989 में उन्होंने स्वयं रत्नावली प्रतिभागी की थी। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वप्न बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा व देश बेटियों की सुरक्षा व सम्मान में बहुत आगे स्थान रखता है। इसी बीच आपको बता दूं कि हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि रत्नावली महोत्सव में हरियाणवी क्राफ्ट मेले का अवलोकन करते हुए हरियाणवी व्यंजनों का स्वाद चखा और छात्रों की तारीफ की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के टूरिज्म विभाग के छात्रों द्वारा बनाए गए चूरमे का स्वाद लेते हुए मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि अपने खान पान का आनंद ही कुछ और होता है। इसके बाद उन्होंने गोहाना की मशहूर जलेबी का स्वाद चखा। इसके साथ साथ हरियाणा धरोहर संग्रहालय व स्टॉल पर पहुंचने पर कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को हरियाणवी पिंडा देकर उन्हें सम्मानित किया। क्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र द्वारा हर वर्ष आयोजित होने वाले रत्नावली कार्यक्रम की जहां यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर सभी को जान जा रहता है। पूरे हरियाणा प्रांत के यहां पे छात्र छात्राएं कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते हैं और उस पार्टिसिपेशन के साथ साथ जो यहाँ के लोगों के बीच में एक आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल रहता है उसकी इंतजार केवल यूनिवर्सिटी कैंपस से जुड़े हुए लोगों की नहीं है, यहाँ के एलुमनीज को भी रहती है और यहाँ से जुड़े हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को रहती है। मैं आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर पहुंचा हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर एस एन सचदेवा जी जो वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र है और लगातार जिनका दूसरी टर्म चल रही है और इनके सानिध्य में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय नई ऊंचाइयां छू रहा है जहां मैं इसके लिए इनको बधाई देता हूं। वहां रत्नावली में सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके साथ साथ यहां की पूरे के पूरा जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है इस रत्नावली को सफल करने के लिए उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे लोगों को इंतजार रहता है, इसका जो पार्टिसिपेंट्स है उनको तो रहता है
टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी रहता है, परंतु जो इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको ज्यादा रहता है। और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करके जाते हैं वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग बड़े बड़े आज वो स्टार बन चुके हैं। मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है यहाँ के कुचत्रा विश्वविद्यालय के, क्योंकि मैं भी 86 से लेकर 95 तक इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। हरियाणा में माननीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी, इससे पहले आज तक किसी दल की सरकार नहीं बनी। मैं हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं का, हरियाणा प्रदेश की जनता का, और जिन कार्यकर्ताओं ने और जिन साथियों ने, चाहे मीडिया के लोग थे चाहे प्रिंट मीडिया के लोग थे, सभी ने जो हमारा सहयोग किया, उनके दल की गहराई से आभार प्रकट करता हूँ। परंतु साथ साथ जब लगातार कोई आशीर्वाद मिलता है तो लोगों को अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं, उम्मीदें भी बढ़ती हैं, और हमारी जिम्मेवारी बढ़ती है। हम इस जिम्मेवारी बड़ी है हमारी, हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो जो उन लोगों ने हमारे प्रति श्रद्धा भाव से मतदान के करके हमारी सरकार बनाई है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के मतदाताओं को विश्वास लाता हूँ, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का प्रथम मोटो है।